स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे श्वेता स्वार ब्लॉग में। सो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप सभी से मैं मिल रही हूँ। तो दोस्तों, बहुत माफ़ी चाहूँगी आप सभी से कि मैंने बहुत टाइम लेट लगा दिया मैंने वीडियो बनाने पे। तो दोस्तों, अभी सुबह का समय है, बज रहे हैं 8:57 और अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। पापा के लिए नाश्ता बनाया है और अभी घर साफ करना है, तो अभी देख रहा हूँ यहाँ बर्तन बर्तन सब बिखरे हुए हैं, सब समेटना है। तो सबसे पहले हम यही समय काम करते हैं। तो दोस्तों, घर रहते रहते बहुत टाइम हो चुका है मुझे, मैं मतलब 1 महीना हो चुका है घर रहते रहते मुझे। तो थोड़ा बहुत घर के कामों पे बिज़ी थी, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना रही थी। तो चलिए घर का काम करती हूँ पहले, फिर तब आपसे बात करती हूँ। ज़्यादा उजाला नहीं है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है ना, हमने लाइट खोल रखी, तो इतना लाइट पे कौन ने दिया है। तो हमें बताया तो डैन क्या कर, खाना देना है, इसको खाना देना भूल गई, पहले इसको खाना देते हैं। सारा घर का काम कर लिया है, डैनी को भी खाना दे दिया है, अब मैं बोर हो रही हूँ। तो आप सब बताइए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। अरे इसको देखना, ये मेरे पैरों से ही खेलता रहता है। ए छोड़ छोड़, बैठ गया, ये बहुत खेलता है। नहीं ले, इधर ले ले, इधर इधर आजा। अभी ना पापा बाहर गए ना, तो इसलिए वो हो रहा, मैंने वहाँ से भी दरवाज़ा बंद कर दिया, यहाँ से भी। अब ये जाएगा कहाँ से, तो इसलिए इसको टेंशन हो रही कि कहाँ से जाऊँ। तो डैनी डैनी गए, देखो ये गया, पापा को देखे जाओ, गए डैनी डैनी, पापा गए डैनी, ओ डैनी डैनी, पापा गए, डैनी को छोड़ के गए। हो डैनी पापा गए, छोड़ के चले गए, अब क्या होगा। जा देख पापा है, पापा गए, डैनी पापा है, देख देख पापा गए, देखो कैसे भागा पापा के नाम पे। बुद्ध बनाया, बड़ा मजा आया, बुद्ध बनाया, आजा जल्दी आ पापी सा, आजा इधर आ, कम गुस्सा होगा कहीं मेरे से, गुस्सा हो जाएगा तो वहीं बैठेगा, गुस्सा नहीं होगा तो इधर आएगा वापिस सा, देखते हैं। डैनी आजा, ले आ इधर आ, आजा नहीं है गुस्सा, आजा बच्चे इधर आ, इधर 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 बैठ गया, ओ बैठ गया बैठ गया, ये लड़का बैठ गया, देखो बड़ा कुत्ता है पर काटता नहीं है ये किसी को भी, इसे खूब परेशान करती है। डैनी डैनी मेरी बेटी, अच्छा है ना। चलो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको दिन के टाइम पे, खाना बनाते टाइम पे तब आपसे बात करती हूँ। सो दोस्तों, 12:39 हो रहे हैं, तो देखिए चलिए रसोई में चलते, देखते क्या हो रहा है। मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी क्या कर रहे हो आप? आज मैं हरा साग बना रही हूँ, इसे कापली बोलते हैं। कि हमारी हरी सब्जी बच रही थी, हम इसी को छौकेंगे, क्योंकि साग मैं तो खाती नहीं हूँ, मम्मी खाना खाएगी नहीं, पापा ने खाना है सिर्फ। तो ये सब्जी है सुबह की, चौड़ाई की सब्जी है ये, और ये है प्याज टमाटर, और ये आटा का घोल मम्मी घोल रही है। तो ये क्या है? ये आटा, आटा घोल रखा। कापले में आटे का घोल भी डलता है? गाढ़ा होने के लिए। अच्छा, तो गाढ़ा करने पे आटे का घोल डालेगा। और ये सुबह की हमारी हरी सब्जी बच रही थी कुछ कढ़ाई में, यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है, ये प्याज डाल दिया, प्याज भून रहे हैं अच्छे से। अब
प्याज भून चुका है अच्छे से और इसमें अभी टमाटर डाला है। तो मम्मी ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया है, पक गया है अच्छे से। अब इसमें हम क्या डालेंगे? अब इसमें हम हल्दी, हल्दी, धनिया, धनिया, मिर्ची, मिर्च। हम बस सिंपल मसाले डालते हैं, तीन चार मसाले डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक बस। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ये और ये सुबह की सब्जी डाल के चलाएंगे, क्योंकि ये अब हम मम्मी खाएगी नहीं, मैं भी खाती नहीं हूँ साथ, ये सिर्फ पापा के लिए बन रहा है तो इतना काफ़ी है। अब इसमें फिर पानी डालेंगे, पानी डालेगा या आटे का घोल डालेगा? आटे का घोल डाल, आटे का डोलो घोल हम किस लिए डाल दें? गाढ़ा होने के लिए। अच्छा, तो साग को गाढ़ा करने के लिए हम आटे का घोल डालते हैं। बेसन भी डाल सकते हो, बेसन हो चावल की कणकी हो पीस के डाल दो। अब मैं तो इस समय जल्दी में बना रही हूँ। चावल की कणकी कई लोगों को पता नहीं है कि होती क्या है, तो क्या होती है चावल की कणकी? चावल के टुकड़े होते हैं, चावल को छान लो उसमें जो टुकड़े निकलते हैं उसे, जो चावल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, टूटा चावल भी बोल सकते हैं, तो वो उसे हम कणकी बोलते हैं। अब वैसे सब कुछ है, वो भी डालने चाहिए क्योंकि अपने पीसना है उसे, पीसना है। दोस्तों खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। टमाटर के ज़्यादा हो नहीं दिखने चाहिए पीस, बिल्कुल ही वो कच्ची से ऐसे पीस दो उसे कि अब इसमें क्या जाएगा? अब इसमें डालेंगे हम आटे का घोल। तो ये कापली वो नहीं हो जाएगी सफ़ेद? नहीं, अभी पक के कुछ हरापन आएगा, कुछ वो आएगा उसका। अच्छा, तो चलिए दोस्तों अब हम जब ये कापली खाना पूरा बन जाएगा तब आपको मिलती हूँ। सफ़ेद हो रखा था, ये पूरा हरा हो चुका है, चौलाए का और चावल बन चुके हैं। अब हम खाना खाते हैं और आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब आई हूँ मैं छत में थोड़ा सा वॉक करने के लिए। तो आज का मौसम देखिए कैसा हो रहा है, अभी बादल आ चुके हैं, दिन में धूप थी अच्छी खासी। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप इस व्लॉग को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी को अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।